हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फ्री फायर के कुछ हेडशॉट सेटिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमको बैटल रॉयल से ट्रेनिंग मोड में जाना होगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए ये इजी है। हम आपको बताने वाले 3 हेडशॉट ट्रिक्स जिससे आप एकदम मस्त हेडशॉट मार सकते हैं। तो देखते हैं ये हेडशॉट ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आप कोई भी एक मैप खोल लीजिए या फिर अपने डिफॉल्ट में उस पर भी रह सकते हो। देखिए मेरा सेंसिटिविटी इतना अच्छा है। अगर ये चाहते हो तो आपको सिंपली जाना है अपने सेटिंग्स पे और अपने DPI को 420 कर देना है। ठीक है गाइस, तो अभी दिखाते हैं हमारा हेडशॉट लग रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप कि मैं जब इनको हेडशॉट मार रहा हूँ तो ये लग जा रहा है। पर आप गन से मारने की कोशिश करते हो तो आपका एम बॉडी लॉक सेट हो जाता है ना गाइस। अब AK-47 जिससे भी मारो बॉडी लॉक सेट हो जाता है एम। तो अभी आपको इसको ठीक कैसे करना है, सेटिंग्स में जाना है और फुल कंट्रोल को चालू कर देना है। और अभी आपको देखना है कैसा हेडशॉट लग रहा है या नहीं। अभी देखना, अभी एम बॉडी लॉक पे सेट नहीं होगा, सीधा हेडशॉट देगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो लाइक कीजिए। तो सेकंड ट्रिक है, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि आप जब भी गेम खेलते हो आपका मोबाइल लैग होता है। इस लैग को फिक्स करने के लिए आपको सिंपली जाना है अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको सिंपली सारे ऐप्स का क्लियर कैसे कर देना है। ऐसे करके आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं। तो सेटिंग्स में जाना है, जाके सेंसिटिविटी तो मेरा फुल ही रहता है जो भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो साउंड है इसको आपको 100 या फिर 80 करना है, ठीक है। और ऑडियो बैलेंस आपको 0 पे 0 ही रखना है। और अगर कैरेक्टर वॉइस को ऑफ कर देना, क्योंकि आपका मोबाइल क्रैश भी हो सकता है इससे। और वाइब्रेशन ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखना है गाइस, नहीं तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। आप देख ही सकते हैं कि मेरा कितना स्मूथ चल रहा है गेम, और कभी कभी ऑटोमेटिक हेडशॉट भी लग जा रहा है मेरे से। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिक ही हेडशॉट लग रहा है। देखिए मैं यहाँ पे जंप करूँगा फिर भी हेडशॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो सारी सेटिंग्स चालू कर रखी है। तो आप देख ही सकते हैं आपका 30% हेडशॉट प्लस हो जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं मारूँगा यहाँ पे फिर भी हेडशॉट लगने वाला है। तो इस ट्रिक को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। तो अभी हम देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट आपको पता ही होगा कि डेजर्ट एक अच्छी वन टैप गन है, इससे आप अच्छे वन टैप मार सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ इसको यूज़ करना है या नहीं करना है, कौन सा आपका बेस्ट रहेगा गन आपको हेडशॉट के लिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे साइड में आपको रैंकिंग दिख रही होगी बेस्ट गन का, आप देख ही सकते हो। सबसे पहले मैं तो देख लीजिए, यहाँ पे ये है और ये है, और नेक्स्ट लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपकी सेटिंग्स के कस्टम HUD। इसको कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे कस्टम HUD को जाके ये जो बॉम्ब का आइकन है यहाँ पे रख दो, और जो यहाँ पे एमओ है इसको यहाँ पे रखो, और ग्लू यहाँ पे रखो, और ये जो गन स्विच का बटन है इसको हमेशा गन के उसके पास ही रखना है,
गन स्विच या रीलोड बटन। गन स्विच को नीचे रखो, रीलोड को ऊपर भेज दो, क्योंकि रीलोड बटन का ज़्यादा काम नहीं होता है, हम टच करके ही कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेनेड सॉर्ट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कुछ है। जो मैंने सेंसिटिविटी और जो भी मैंने टिक बताई है उनको अगर आप यूज़ कर लेते तो देखिए गाइस, मेरा ऑटोमेटिक ही गन स्विच करके इसको हेडशॉट दे रहा है, आप देख ही सकते हो। मैं सिर्फ ऐसे करूँगा और मेरा गन स्विच हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय। We'll be right back.